गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपको बेटा संस्कृत ग्रामर में पढ़ाएंगे उपसर्ग। उपसर्ग की सबसे पहले डेफिनेशन, उपसर्ग कहते हैं किसे है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द या धातु के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, मतलब उसके पूर्व में जुड़ते फिर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। जबकि जो प्रत्यय होते हैं वो उसके ठीक विपरीत होते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। हम पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। तो उपसर्ग की डेफिनेशन है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के पूर्व जुड़कर पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। इधर की डेफिनेशन होगी। संस्कृत में जो उपसर्ग होते हैं 22 होते हैं, 22 होते हैं। प्रत्येक उपसर्ग का एक अपना अर्थ होता है। कितने होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत उपसर्ग होते हैं 22। प्रत्येक उपसर्ग का अपना एक अर्थ होता है। 22 उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि और उ। ये टोटल 22 उपसर्ग है। जो उपसर्ग है इनके अर्थ भी भिन्न भिन्न होते हैं। प्र, प्र का अर्थ होता है अधिक, ज्यादा। प्र का अर्थ क्या होता है? अधिक, ज्यादा। परा, परा का अर्थ होता है विरोध। अप, अप का अर्थ है हीनता। सम का अर्थ होता है समान, समय नहीं होता है समान। अनु यानी पीछे, अव यानी हीनता, निस का अर्थ है निषेध, निर का अर्थ होता है रहित, दुष का अर्थ होता है कठिन, दुर का अर्थ होता है बुरा, वी यानी विशिष्ट, आ कम, नी रही और अधि ऊपर। अपि का अर्थ होता है निकट, अति का अर्थ होता है अधिक, सु का अर्थ होगा अच्छा, उत का अर्थ होता है ऊंचा, अभी मतलब चारों ओर, प्रति मतलब योग या फिर समीप, परि का अर्थ हो गया आसपास और उप का अर्थ है समीप। तो इन प्रत्येक उपसर्ग के अर्थ भी अलग अलग होते हैं। इनके एग्जाम्पल जैसे प्र, तो प्र का यानी प्रहार, क्या बनेगा? प्रहार, प्रभाव, प्रचलती, प्रसरती, ये आपके प्र के एग्जाम्पल है। उसी प्रकार है परा, परा का एग्जाम्पल लिखना हो तो पराजय, पराभव, पराश्रय, पराभूत, पराभवती, ये परा के एग्जाम्पल है। अप, अप के एग्जाम्पल अपमान, अपयश, अपवाद, अपशब्द। सम, समय में अच्छी तरह, संगठन, संगम, संगति, संभवती, संबद्धति, ये सम के एग्जाम्पल। अनु, अनु मतलब पीछे, अनु मतलब पीछे, अनुकरण, अनुहार, अनुचर, अनुमति, अनुभूति। अव, अव यानी अवज्ञा, अव यानी अवज्ञा, तो अव का अव लेगा आपके अवज्ञा, अवनति, अवगुण, अवसर। निस, निष्का, निषे, निषेच, निष्पाप, निष्पाप, निष्फलम। निर, निर्धन, निर्बल, निरादर, निर्वाण, निर्यात, निर्जन। दुस यानी कठिन, इसका बनेगा दुस्साहस, दुस्साध्य, दुश्चर्ति, दुष्कर। दु यानी बुरा, दुर्बल, दुर्गति, दुर्लभ। वी से विज्ञान, विलय, विनय, विकास। आ से आगमन, आजरम, आजीवनम, आनयति, ये इसके एग्जाम्पल है। नी से बन जाएगा निर्भाव, निकष्ट। अधि से अधिपति, अधिकार। अपि से अपिधान, अपिमान। अति, अत्याचार। सु, सुमुखी। उत, उद्धार, उद्गम। अभि, चारों ओर। अभिमान, अभिनव। प्रति, प्रतिष्ठा। परिमुखर, अपरिप्रतिमा, ये आपके इसके एग्जाम्पल बनेंगे। इसके अलावा दो और है, परि यानी आसपास और अप यानी निकट। तो परि का बनेगा परितोष, परिचय, और उप से बनेगा आपके उपकार, उपनयन। ये तो आपके 22 उपसर्ग हो गए।
इनके प्रत्येक के अर्थ हो गए और दो दो इनके एग्जाम्पल हो गए। दुआ देखिए, उपसर्ग की परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, ये उपसर्ग कहलाते हैं। संस्कृत उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं। तो 22 में कौन कौन से? प्रय, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, अति, परि, ये आपके 22 उपसर्ग है। प्रत्येक उपसर्ग का अर्थ भी अलग अलग होता है। ये तुम्हारे उपसर्ग हो गए, उनके अर्थ हो गए, उनके एग्जाम्पल हो गए। अब हम देखेंगे कि उपसर्ग किस प्रकार अर्थ में परिवर्तित करता है। जो उपसर्ग है वो किस प्रकार अर्थ में परिवर्तन कर लेता है, जैसे देखिए एग्जाम्पल में, मैंने एक वर्ड लिया हार, ठीक है, हार यानी पराजय वाला हार। अगर मैं इसके आगे प्रय लगा देती हूं, प्रय प्लस हार, प्रय प्लस हार, तो ये बन गया प्रहार, यानी किसी पर वार करना, हमला करना। अगर मैं हार से पहले आ उपसर्ग लगा देती हूं, तो ये बन जाएगा आहार, इसका अर्थ है भोजन। लेकिन यदि मैं हार से पहले वी लगा देती हूं, क्या लगा देती हूं? वी लगा देती हूं, तो ये बन जाएगा बिहार, क्या बन जाएगा? बिहार। बिहार का अर्थ होता है घूमना। बन गया ना प्रातः, अर्थ चेंज हो गया बिल्कुल। वर्ड तो एक ही था हार, उन्होंने क्या एक वर्ड लिया, शब्द लिया हार। अब हार के मैं अलग अलग अर्थ निकाल दिए। हार से पहले मैंने प्रयोगशाल लगाया तो बन गया प्रहार, किसी पर प्रहार करना, हमला करना, वार करना। हार से पहले अगर आ लगा देंगे तो बन जाएगा आहार मतलब भोजन, और हार से पहले वी लगा देंगे तो बन जाएगा विहार मतलब घूमना। जैसे जय, अब जय वर्ण नहीं है, जय, अगर जय से पहले मैं परा लगा दू, क्या बन गया? पराजय। क्या बना? पराजय। पराजय मतलब हार जाना, पराजित हो जाना। लेकिन अगर जैसे पहले मैंने वी लगा दिया तो क्या बन जाएगा? विजय यानी जीत। बिल्कुल डिपेंड हो गया ना, यहां पर तो जीत हो गया और यहां पर बिल्कुल हार हो गया, बिल्कुल उल्टा अर्थ निकल गया। अगर एक वर्ड लिया मैंने जय, जैसे पहले मैंने परा लगा दिया तो पराजय यानी हार हो गया, जैसे पहले वी लगा दिया तो विजय यानी जीत हो गया। अगर जय, क्या लिखा मैंने? जय, जैसे पहले परा लगाया तो पराजय, जैसे पहले वी लगाया तो विजय, और अगर जय से पहले मैं ए लगा दू तो बन जाएगा अजय। क्या बन जाएगा बेटा? अजय। समझ में आ गया? यहां पर उपसर्ग है, उपसर्ग की डेफिनेशन क्या बनेगी? वे शब्दांश जो किस शब्द या धातु से पहले जुड़ता उससे अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। संस्कृत में उपसर्ग होते हैं 22। प्रत्येक उपसर्ग अलग होते हैं, उनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। 22 उपसर्ग है, उनके अर्थ के अलग अलग है। और फिर उसके बाद कि उपसर्ग किस प्रकार अर्थ को चेंज कर देते हैं, यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए मैंने, हार और जय। हार लिया तो हार से अगर प्रय लगा दिया तो प्रहार, किसी पर वार करना। हार से पहले आ लगा दिया तो आहार, और हार से पहले भी लगा दे तो घूमना। जय वर्ण लिया, जय क्या पहले परा लगा दिया पराजय, जैसे पहले भी लगा दिया तो विजय, और जैसे पहले ए लगा दे तो अजय। तुम्हारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ बेटा। आपको अपने पेपर में टॉपिक करना है और इसे लर्न भी करना है। आप लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इससे अपनी फेयर बुक में कर लेना। थैंक यू।